हेलो फ्रेंड्स, मैं निमार्ड वर्क से और मैंने यहाँ पे कुछ थिंग्स जो अभी करेंटली मैं प्रिपेयर की हैं उन थिंग्स को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ों जैसे कि आपका ये दीपक है, ये दीपक को तो मैं रेडी करने की सारी प्रोसेसिंग मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इसका भी मेरे ख्याल से मैंने इसे भी अपलोड किया है। और ये मैंने जो बनाया था ये प्लास्टिक बोतल पर और बस ये कुछ नहीं क्लॉथ लगा के और इसको रेडी किया है, मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा। और ये कार्डबोर्ड और आपका वायर और रोप, ये तीन चीज़ों से मिलके बना है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। रियली बहुत हटके लग रहा है, एकदम से यूनिक लग रहा है देखने में। मैंने इनमें कोई भी खर्च नहीं किया है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। इसमें क्या है, बैलून के ऊपर बस क्या किया है, थ्रेड को रैप किया है और ड्राई होने के बाद मैंने इसको ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं बनाया है, इसको ज़्यादा कन्वर्ट भी नहीं किया कि मुझे यहाँ से अभी थोड़ा सा और इसको ड्यूरेबल बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और मैंने इसमें फ्लावर पॉट रखा है और कुछ भी नहीं किया है, ये छोटा सा फ्लावर पॉट मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने इसमें रख दिया है, बहुत अच्छा लुक दे रहा है ये। और ये सारी चीज़ें मैंने ये कार्डबोर्ड से बनाया है, इसमें भी कोई खर्च नहीं है और रियल में देखने में काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। इसमें अच्छा सा अगर हम ये फ्लावर वंस ला के लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जो देख रहे हो इसमें भी कोई खर्च नहीं है, ये मैंने पेप्सी की बोतल को कलर स्प्रे किया है और वो भी कैसे किया है, इसके ऊपर की कटिंग मैंने इसके नीचे लगाई थी बट क्या था, ये मुझे ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं लग रहा था, नीचे से थोड़ा सा अनकंफर्ट जैसे कि गिर जाएगा ऐसा कुछ लग रहा था, तो मैंने कहा ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। मैं अधिकतर चीज़ें ऐसी कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज़ें हमेशा ही लॉन्ग टाइम के लिए रहें, कभी ऐसा नहीं कि आज बनाई कल गिर गई, तो ऐसी चीज़ें मैं कभी भी बनाना प्रिपेयर नहीं करती हूँ। और ये जो है पेप्सी की बोतल आपको दिख ही रहा होगा, पेप्सी की बोतल पे थोड़ा सा मैंने ये क्ले से डिजाइन करके और इस पर कलर स्प्रे करके और उसको टचअप दिया है, बाकी ये बहुत प्यारा लग रहा है रियल में देखने पर। और अभी ये ड्राई भी नहीं हुआ है, टच करने पर मेरे हाथों में भी कलर आ रहा है इसे, तो ये जस्ट मैंने अभी बनाया है, आज ही बनाया है इसको और इसे भी रेडी किया है। इसकी वीडियो सारी मेरे पास प्रिपेयरिंग वीडियो पड़ी हुई है, कैसे बनाया, हाउ टू मेक दिस, तो उसे भी मैं अपलोड कर दूँगी। और पीछे जो रखे हुए वो भी वाइट कलर के फ्लावर अभी नहीं बने, काफ़ी टाइम पहले बनाए थे। और इसका जो पॉट रखा है वो मुझे पसंद नहीं है बट मैं उसको थोड़ा सा उसका चेंज करने की कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी, सिंपल है, मैं इसको चेंज करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और आप लोगों को कैसी लगी ये मेरे थिंग्स, अपने व्यू ज़रूर शेयर करना। इनमें आप लोग कह सकते हो बिल्कुल जीरो एक्सपेंसिव कह सकते हो, यहाँ तक कि इसमें थोड़ा सा 50 रुपये की रोप लगी होगी, वायर लगे हुए होंगे 10-20 रुपये के, और ये 50 रुपये का मैंने एक बंडल लिया था बहुत सारा, इसका अभी भी मेरे पास रखा है क्रोसिया का, ये आधे में से ये बन गया है। और ये इसमें कुछ नहीं, मैंने प्लास्टिक की बोतल पे कपड़ा लगाया है तो इसमें भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। और ये वही मेरे पास, ऐसे मैंने दो बंच लिए थे, वाइट और ये, दो कलर लिए थे, इसमें से ये वाइट पर मैंने ये बनाया था और इसका भी बंडल मेरे पास पड़ा हुआ है अभी। मुझे तो सीरियसली ये बहुत प्यारा लग रहा है, सबसे प्यारा मुझे ये लगा और ये भी लगा, ये भी ठीक लगा। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, मैंने कोई खर्च नहीं किया है, क्ले में जो फेविकॉल यूज़ करते हैं बस वही खर्च मान सकते हो, क्योंकि फेविकॉल हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और हमें प्रॉपर फेविकॉल यूज़ करना चाहिए, अगर हम कम फेविकॉल यूज़ करते तो हमारा क्ले अच्छा नहीं बनता है। मैं कोशिश वही करती थी यार, कम फेविकॉल में काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ और मेरे कम फेविकॉल के चक्कर में मैंने ये जो बनाया था इसकी सारी चीज़ें टूट टूट के गिर गई है। तो वही मैं सजेस्ट करूँगी, जिसमें जो अमाउंट में जितनी चीज़ें मिलती हैं हमें उतना चीज़ यूज़ करना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, बाय बाय।